उन 20 आदमियों में से एक मैं भी देशद्रोही हूँ, जो कि 5वीं अनुसूची के लिए बराबर मांग करता हूँ अपने अखबार के जरिए। दलित आदिवासी मीडिया हमारी अखबार है, उसे 17 साल से हम लोग अखबार के जरिए आदिवासियों को आंदोलित कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए, आदिवासियों को जागृत कर रहे हैं, सारे देश के आदिवासियों को एकत्रित कर रहे हैं कि वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो उनको अधिकार मिले हैं उस अधिकार को लागू करने के लिए जिंदाबाद करें, इंकलाब करें, आंदोलन करें। 5वीं अनुसूची लागू करो। अब 5वीं अनुसूची संविधान की अनुसूची है, उसको कोई हमने आदिवासियों ने या आपने नहीं बनाया। संविधान का कसम खाकर शपथ लेते हैं जो मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, संसद बनते, सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं या बड़े अधिकारी या दस, सारे संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति अपना सम्मान जताते हैं। लेकिन संविधान का सम्मान तो ये खुद नहीं कर रहे हैं, और हम संविधान की बात कर रहे हैं तो हमें देशद्रोही घोषित कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? आप लोग सारे विद्वान युवा वर्ग के लोग हो, आप लोग जानते हो संविधान क्या है, न्याय क्या है, अदालत क्या होती है। यहाँ पर तो अदालत को भी नकारा जा रहा है, संविधान को भी नकारा जा रहा है, और जो इस संविधान को लागू करने की मांग कर रहे हैं उनको जेल में बंद किया जा रहा है, उनको नक्सल कह के माओवादी कह के बंद किया जा रहा है, अत्याचार और दमन हो रहा है, जिससे कि डर जाए आम जनता, और डर के मारे आदिवासी समाज और झारखंड के समाज तो मूलतः सीधे हैं, सरल हैं, इतना कानून ज्ञान नहीं है, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, होने के कारण सरकार और पुलिस और ये सब देशद्रोह के नाम से डरना लाजमी है। इस तरह डरा कर ये सरकार हम लोग पर शासन कर रही है। पत्थलगड़ी क्या है? पत्थलगड़ी असल में पत्थलगड़ी का काम तो सरकार को खुद करना चाहिए था। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आप जानते हैं अधिसूचित क्षेत्र होता है, अधिसूचित क्षेत्र में सामान्य कानून लागू नहीं होते, वहाँ पर ग्राम सभा का कानून लागू होता है। सामान्य कानून से यह अधिसूचित क्षेत्र बिल्कुल अलग है। तो जिस तरह सरकार प्रत्येक थाना का क्षेत्र निर्धारित करती है कि फलाना थाना का क्षेत्र यहाँ से आरंभ, फलाने जिला का क्षेत्र यहाँ से आरंभ और यहाँ पर अंत, उसी तरह अधिसूचित क्षेत्र का और ग्राम सभा के क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र पत्थलगड़ी द्वारा सरकार को खुद पत्थलगड़ी करने का काम करना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया। जब लोग ग्राम सभा के लोग वहाँ के जो आदिवासी हैं ग्रामवासी हैं वहाँ के लोग अपने अधिकार का 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिकार के अंदर अपना इलाका का सीमा रेखा तय कर रहे हैं, तो उस सीमा रेखा तय करने वाले देशद्रोही हो गए, सीमा रेखा तय करने वाले आंदोलनकारी हो गए, जबकि हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। किसी भी जमीन के अंतर्गत जब जमीन खरीदी जाती है या कहीं भी एक कट्ठा हो 10 कट्ठा हो तो वहाँ पर एग्रीमेंट जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री में लिखा रहता है कि दक्षिण की ओर फलाना रोड, पूर्व की ओर ये नदी, पश्चिम की ओर फलाने का प्लॉट, या इस ढंग से सीमा रेखा तय किया जाता है। तो वही सीमा रेखा तय करने के लिए हम लोग पत्थलगड़ी कर रहे हैं, ग्राम सभा की सीमा रेखा, 5वीं शेड्यूल के अंदर अधिसूचित क्षेत्र की सीमा रेखा, तो हमारा दोष क्या है? लेकिन ये सरकार हमें दोषी घोषित करना चाहती है, ये सरकार है इसी तरह हमारी जमीन लूटना चाहती है, हमारे जमीन के अंदर छिपे हुए खजाने लूटना चाहती है, हमारा रिजर्वेशन लूटना चाहती है, और हमें उस जमीन के मालिक के बजाय भिखारी बना देना चाहती है, बंधुआ मजदूर बना देना चाहती है। 70 साल गुजर गए, तीसरी पीढ़ी का जन्म हो चुका आज़ादी के बाद, लेकिन हम आदिवासियों ने आज तक आज़ादी का मजा, इस संविधान का आनंद और इस संविधान का जो हमारे लिए सुविधा दी गई है संविधान निर्माताओं ने, भारत सरकार ने, भारत की संसद ने, उस संविधान का फायदा हमें आज तक नहीं मिल पाया। अभी हाल में जमीन अधिग्रहण कानून आया है जिसमें कहता है कि रैयतों की मंजूरी की जरूरत नहीं है, सरकार जब चाहे जिस भी तरीके से चाहे आदिवासियों मूलवासियों का जमीन बड़े बड़े कॉरपोरेट के लिए छीन लिए जाएंगे। और उसी के क्रम में रघुवर दास बड़े बड़े कॉरपोरेट बड़े बड़े कंपनियों के सम्मेलन कराते हैं रांची के अंदर, और कहता है कि रांची के आसपास जितने मिनरल्स जितने माइंस हैं उनको बड़े बड़े कंपनियों को दिया जाएगा।
और इसी के खिलाफ जो आदिवासियों का मूल वासियों का झारखंड और झारखंड के बाहर भी पत्थलगरी की एक परंपरा रही है कि हम अपनी बात, अपना मैसेज, अपना रेजिस्टेंस, अपना प्रतिरोध पत्थल में लिख करके गांव के बाहर लगाते हैं। यह आदिवासियों की, मूल वासियों की झारखंड के अंदर एक लंबी और पुरानी परंपरा रही है। इसी के खिलाफ खूंटी के आसपास में, चाईबासा में, दुमका में लगातार प्रतिरोध दर्ज हुआ और ग्रामीणों ने पत्थलगड़ी किया। और इसी क्रम में जल जंगल जमीन बचाने के सवाल पर झारखंड का जो बुद्धिजीवी तबका है, जो लोग फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, उन लोगों ने विरोध के स्वर पे लिखना शुरू किया, सरकार के खिलाफ, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लिखना शुरू किया। और इसके एवज में सरकार को जहां चाहिए था कि आदिवासियों, मूलवासियों के साथ डायलॉग करे, बातचीत करे, एक रास्ता निकाले, एक समाधान निकाले, लेकिन ये नहीं करते हुए झारखंड के अंदर 20 सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर सेडिशन का मुकदमा दायर कर दिया जाता है, देशद्रोह का एफआईआर दर्ज किया कर दिया जाता है। झारखंड के अंदर एक ऐसा स्टेट है जहां पर बकरी चराने वाले के ऊपर भी देशद्रोह का चार्ज लगाया गया। झारखंड के अंदर ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर, जल जंगल जमीन लूटने के नाम पर सरकारें आदिवासियों को, मूलवासियों को जेल के अंदर ठेलने का काम किया है। CNT SPT अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया तो पूरा झारखंड में उबाल हुआ, पूरा झारखंड में आंदोलन हुआ और कुछ देर के लिए सरकार और वहां के गवर्नर उसको ठंडे बस्ते में डाल देता है। लेकिन उसके बाद झारखंड के अंदर भूमि अधिग्रहण बिल आता है जिसमें वहां के रैयतों को उसकी सहमति और असहमति का कोई मंजूरी लेने की दरकार सरकार नहीं समझता है। आपको पता होना चाहिए कि वहां पर जमीन की कानून है, CNT SPT एक्ट के तहत ही वहां पर आज के डेट में अगर थोड़ा बहुत भी आदिवासियों के पास जमीन बचा है तो इस कानून के वजह से बचा है। आदिवासी इस देश का पहला लड़ाका रहा है जो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए 1760 से लेकर आज तक अपने आजादी के लिए लड़ रहा है। और झारखंड के अंदर लगातार इस सेडिशन के सवाल पर लगातार प्रोटेस्ट जारी है और झारखंड के अंदर फिर एक ऐसा माहौल बन रहा है कि झारखंड के आदिवासियों के ऊपर अगर दमन होता है तो झारखंड की स्थिति लगातार बिगड़ेगी और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ BJP सरकार, रघुवर दास की सरकार जिम्मेदार होगी।